पहले देख लो बनाने के बाद कैसा बनेगा। तो दोस्तों, इस तरह की बर्थडे वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले बता देता हूं कि इस वीडियो को बनानी कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, तो कुछ इस तरीके से जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च में जाना है और सर्च में आपको यहाँ पर बर्थडे लिख देना है। बर्थडे लिख देने के बाद यहाँ पर दोस्तों इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने आ सकता है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही लेना है यहाँ पर, फर्स्ट वाला, जो कि मैं जैसे ही दोस्तों इस टेम्पलेट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर वही वाली स्टेटस आ जाएगी जो कि मैंने आपको बना के दिखाई थी। बिल्कुल इस तरीके से ये एग्जांपल दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ नाउ, USENOW, यूज़ नाउ पर आपको क्लिक करना। दोस्तों फर्स्ट वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक आपको अपना नाम डालना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका आज बर्थडे है तो यहाँ पर आप नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाम वहाँ पर लिखा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम तारा है तो यहाँ पे तारा डाल दो, उसके बाद डन पर क्लिक कर दो। उसके बाद सेलेक्ट इमेजेस पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो, जो आपने अपनी फ़ोटो खींची है उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वो फ़ोटो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सारे के सारे फ़ोटो आ जाएंगे, सारी की सारी फाइल आ जाएगी और इसी सारे फाइल में चेक कर लेना है कैमरा। कैमरे के अंदर जितना भी आपने फ़ोटो खींचा होगा वो सारी के सारे फ़ोटो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मैंने वो फ़ोटो रखी है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में जाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट में अपने फाइल में आ चुके हैं और यहाँ से वो सारा फ़ोटो ले लेंगे जो कि हमें बनाना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, एक एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लगभग आपके पास 6 फ़ोटो होने चाहिए। अगर आपके पास 6 फ़ोटो हैं तो यहाँ पर आप वीडियो फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, आप 6 फ़ोटो अपना खिंचवा लीजिएगा या फिर जिसका भी बना रहे हैं बर्थडे वीडियो तो उसका आप खींच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डन पर आपको क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेटिंग ले रहा है, तो यहाँ पे ये फ़ोटो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसे कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं कि आपको अगर फेस चाहिए तो यहाँ पे फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा ऊपर करके यहाँ पर फेस सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सेकंड है, इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो क्रॉप करना मत भूलना वरना आपका जो चेहरा है दोस्तों वो यहाँ पे कट जाएगा। तो मैं इसको पूरा अच्छे से ले लेता हूँ एक एक करके। तो ये आपको भी कर लेना है वरना कहेंगे कि यार वीडियो फर्स्ट क्लास बना नहीं। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे फ़ोटो को फटाफट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस, हमने सभी फ़ोटो को यहाँ पर क्रॉप कर लिया है, अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए चेंज म्यूजिक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज आ जाएगा। तो आपके फ़ोन के अंदर जितना भी म्यूज़िक होगा वो आ जाएगा। अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते हैं, म्यूज़िक नहीं लगाना चाहते, कोई बर्थडे सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो फ़ोन स्टोरेज के बाजू में बर्थडे मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक से एक जो है बर्थडे से रिलेटेड म्यूज़िक आ जाएगी, जो कि मैं अगर लगाऊँगा तो मेरे को तो कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने म्यूज़िक का सहारा लिया है, तो बुरा मत मानना आप लोग। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए मुबारक हो तुमको, जन्मदिन मुबारक हो, ऐसा करके सॉन्ग यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है, सुन लेना है पहले, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं फटाफट एक सेव कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो गाइज़, हमने यहाँ पे फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लिया है, नाम भी लिख लिया है और यहाँ पे अपना मनपसंद म्यूजिक भी सिलेक्ट कर लिया है। क्योंकि मेरे पास गाना तो नहीं था, मैं म्यूज़िक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ तो म्यूज़िक से ही काम चला रहा हूँ। अगर आप गाना अलग से डाउनलोड कर ले रहे हैं कहीं से तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर वीडियो स्टार्टिंग एक वीडियो ऐड आएगा, तो आपको पूरा अच्छे से वीडियो ऐड को देख लेना है। इससे क्या होगा कि इसका जो वाटरमार्क होता है वो नहीं आएगा, इस एप्लीकेशन का जो वाटरमार्क होता है वो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे 0% से लेके यहाँ पे 100% तक चलता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको पूरा हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको भी वेट कर लेना है, कटपिट नहीं करना है वरना आपकी वीडियो सेव नहीं होगी। उसके बाद वीडियो सेव हो जाती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइज, यहाँ पर हमारी वीडियो सेव हो चुकी है, अब एक बार मैं प्ले कर देता हूँ, आप ध्यान से इसको देख लो। यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे चलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो
तो ये इसको सेव मैंने कर लिया है, फाइनली मेरे गैलरी में चले जाएगा। तो अब यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिरिक्स लिखना है, LYR लिरिक्स फोटो वीडियो एडिटर, ये आप लिखेंगे ना फर्स्ट में ये आ जाएगा। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है लिरिकल लाइव वीडियो स्टेटस मेकर, इसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसी ऐप से मैंने वो वीडियो बनाई थी। ऐसी आइंदा के लिए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।